नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आज पूरे विश्व में आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक के मैसूर में लोगों के साथ योग किया। वह इस अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी ने लोगों के साथ योग कर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को संदेश दिया कि वो योग करें क्योंकि योगा से ही होगा। वहीं अगर बात करी जाए साल 2022 की, तो इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम ये रही कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस थीम के साथ आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर प्रदेश के जनपदों की बात करें तो आप कुल इस वक्त 6 जनपदों की तस्वीरें देख सकते हैं, 8 जनपदों की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मथुरा, बुलंदशहर, औरैया, सुल्तानपुर, अलीगढ़, गोंडा, लखनऊ और वाराणसी, ये तमाम कई ऐसे जनपद हैं जहां पर आज योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया गया और हर एक तबके के लोगों ने इस योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रमों में शिरकत की। फिर चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, फिर चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सभी लोगों ने विभिन्न जगहों पर जो भी योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था उसमें शिरकत करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व समझा। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वाराणसी में बनारस के नमो घाट पर योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए और लोगों के साथ योग करते हुए नजर आए। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाराणसी में प्रभारी मंत्री ने लोगों के बीच पहुंचकर जो योगा का कार्यक्रम था उसमें शिरकत की और साथ ही साथ योग करते हुए भी नजर आए। वहीं अगर देखें तो 2 साल बाद ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पर लोग खुले आसमान के नीचे और लोगों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सभी तमाम कार्यक्रमों के दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस था, 2 गज की दूरी को फॉलो करते हुए लोग योग करते हुए नजर आए। न सिर्फ काशी में, काशी तो शीर्ष प्राथमिकता में है ही है, उसके साथ ही साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश को, जिसके पास अपार संभावनाएं, हमारे पास ऐतिहासिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, ईको रूप से, वन्य जीवों के रूप से, तमाम जो संसाधन हैं उसका उपयोग इसलिए अब तक पर्यटन के क्षेत्र में नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का इशू था जिससे लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर आना पसंद नहीं करते थे, जिसको 17 से 22 के बीच में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और आज वातावरण बना है कि चाहे विश्व से बाहरी देशों से आने वाले लोग हों, पर्यटक हों, या देश की धरती पर वो लोग हों जो घूमने के लिए पर्यटक के रूप में जाना चाहते हैं। मैं HDFC बैंक से आई हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है बैंक की तरफ से हमारे सभी स्टाफ आए थे और ये योगा डे पे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड यहाँ पे हमने आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। सभी ग्रुप में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए थे, सब ने जो है एक साथ योगा में पार्टिसिपेट किया जो कि एक बहुत ही हेल्दी और हैपनिंग साइड मोमेंट था। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योगा को एज इन पूरे वर्ल्ड में एज अ योगा डे बनाया है और हम लोग के इंडिया से एज इन ओरिजिनेटेड है, तो हर एक व्यक्ति को इसमें एवरी डे लाइफ में इसको लाना चाहिए और इससे एक इनिशिएटिव है और हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से कोविड चला है एंड एवरीथिंग, इससे कोप अप करने के लिए एक्सरसाइज, योगा ये एक बेस्ट चीज़ है और इसे हर इंसान को अपने डेली रूटीन में एज अ थोड़े ही वक्त के लिए ज़रूर करना चाहिए। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इससे में हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बनारस के नमो घाट पर हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कि यहां पर नमो घाट है और यहां पर आज प्रोग्राम किया गया है, योगा दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रोग्राम हुआ है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है सर। जी, आप योग करने के लिए कैसा लगा? हम लोग यहीं वाराणसी से ही हैं और इस नमो घाट पे पिछले 2 वर्ष से हम लोग योगा कर रहे हैं और आज योग दिवस है। योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट है, इस पे योग का आयोजन किया गया और आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ लगभग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। योग किए लोग, योग से तमाम तरह का रोग दूर होता है। हमारे हिसाब से योग सबको करना चाहिए,
योग करने से रोग दूर होगा। जय हो गोवर्धनधारी की। ये ले लिया जी। और हमारे साथ हैं कुछ लोग, हमसे ही बात करेंगे जी। बताएं क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव, मैं गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष। गोवर्धन धाम पे नमो घाट पे आज मोदी जी द्वारा जो योग का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। योग से हर आदमी को जुड़ना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने प्रयास से योग दिवस मनाएं। हम सब भारतवर्ष के लोगों को मिलकर योग का प्रशिक्षण लेना चाहिए, योग का लाभ लेना चाहिए और सुबह उठकर सारी कार्यक्रम करना चाहिए। जय हो गोवर्धनधारी। आपको बता दें कि योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोग एकत्रित हुए और हज़ारों की संख्या में यहाँ घाट पर आकर के योगा किया। हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की और इसके लिए कहा जाता है कि हमारा जो भारत है इस पर हमको गर्व है कि भारत में ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आकर के योगा किए। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फरुखाबाद में बेहद ही धूमधाम के साथ आठवां योग दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य रसद एवं खाद्य आपूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में फतेहगढ़ स्थित ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, डीएम और एसपी के साथ साथ कई विभागों के कर्मियों के द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर योग भी किया गया। इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो फरुखाबाद के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद ही सजग होते हुए नजर आए। इस दौरान तमाम जो नेता है, जो जन प्रतिनिधि है, जो आम जनता है, उन्होंने योग दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें शिरकत करते हुए योग की। फरुखाबाद के ऐतिहासिक धरती पर आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आयोजित हुआ है। योग हमारे जीवन का आज जीने की कला के रूप में है, हिसाब नहीं रहा। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करने का हम लोग काम कर रहे हैं और इस जनजागरण के माध्यम से लोग अपने जीवन में इसको नियमित तौर से लाएं, ऐसा कि हम लोगों ने निवेदन और आग्रह किया। लगभग मंत्री जी कितने लोगों ने प्रतिभाग किया आज के योग के कार्यक्रम में? संख्या में यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि लगभग 4000 से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आए और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, सभी माननीय विधायक के नेतृत्व में एक बहुत विशाल कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हुआ। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जायजा लिया। इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की मजार पर उन्होंने चादर भी पेश की और अमन चैन की दुआ की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वो स्वयं पिछले कई वर्षों से योग करते आ रहे हैं और योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये सेहत का विज्ञान भी है। योग मस्तिष्क और शरीर के बीच एकता कायम करता है। योग तन को मजबूती और मन को शांति भी प्रदान करता है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह हुए आयोजनों में आम लोगों ने भी योगाभ्यास किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों में योग को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रयागराज के सेंट्रल जेल के सभी अफसरों, कर्मचारियों ने यहाँ रखे गए बंदियों संग सामूहिक योगासन किया। साथ ही बंदियों को बुरी आदतों को त्यागने का भी संकल्प दिलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आज पूरा देश आठवां विश्व योग दिवस मना रहा है और इस समय मैं प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी में हूँ। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रेमनाथ पांडे जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज जेल परिसर में किस तरीके से योग कराया गया है और किस तरीके से यहाँ पर कैदियों को योग कराया जाता है। सर, आपका बहुत स्वागत है और योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर आप लोगों ने किस तरीके से कार्यक्रम किया है, किस तरीके आप लोगों ने यहाँ पे योग कराया है? आपको भी योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एकत्रित होकर के यहाँ लगभग 200 बंदियों ने प्रतिभाग किया और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा पिछले 15 दिनों से इनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा था। इसके अलावा नियमित रूप से हमारे कारागार में लगभग 300 बंदी अपने विभिन्न चक्रों में, जो हमारे स्थान निश्चित है, वहाँ योग नियमित रूप से करते हैं और ये बंदियों को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखने के लिए और उनके मानसिक अवसाद से निकालने के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। एक्सरसाइज करना, यौगिक क्रिया करना और इन क्रियाओं में इनकी प्रतिभा करने से और कारागार के अनुशासन आदि में भी बेहतरी होती है।
और जिस तरीके से आपने देखा है ये तस्वीरों में, यहाँ पर करीब 300 बंदियों को योग कराया गया और नियमित रूप से यहाँ पर योग कराया जाता है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन कादीपुर और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विरहता ब्यासपुर समेत कई क्षेत्रों में जन चौपाल लगाई। इस दौरान जन चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और साथ ही उनका निस्तारण भी किया। इससे पहले मेनका गांधी अपने नगर स्थित आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुई, जहाँ उन्होंने सैकड़ों लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण किया और फिर 10 बजे संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गई। मेनका गांधी ने कहा कि अब तक कई लोगों की समस्या सुनी जा चुकी है और साथ ही क्षेत्र में कई करोड़ रुपए के विकास कार्य भी किए जा चुके हैं और जिले में एक कृषि विज्ञान होता है, यहां आप लोगों के कहने से 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर कहा कि अलीगंज से कुड़वाओ सड़क भी जल्द ही बनवाने की कोशिश करूंगी। जल निगम के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि सुल्तानपुर जिले में हर घर जल योजना के अंतर्गत 152 गांव का चयन किया गया है। इसी योजना के तहत खालिशपुर डिंगूर में भी 2 करोड़ तकरीबन कई लाख की लागत से पानी की टंकी का आज सांसद के माध्यम से ग्रामीणों को समर्पित किया गया। अब रोज सुबह जब मैं उठती हूँ ना, मैं भगवान से यही कहती हूँ कि तुमको और कोई मुर्गा नहीं मिला। अब क्या करूँ मैं, मुझे हर चीज़ का दुख दिखता है, हर चीज़ पर मेरी नज़र है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जानवर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, मुझे सब कुछ दिखता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सब के लिए करें। काश सारे लोग ऐसे देखते तो दुनिया कितनी अच्छी होती। नए बसें अगले हफ्ते आ ही रही हैं, नए बसें आ रही हैं और ये जो 2 ट्रांसफर हुए मैं पता करती हूँ। माता जी, चौड़ीकरण का काम, चौड़ीकरण तो हो रहा है ना, और एक मंडी बन रही है जिसमें से हम लोग सारे ठेले और सब डालेंगे और ये जो डिवाइडर बनेंगे इससे सुंदरता बढ़ जाएगी। अग्निपथ योजना विवाद पर पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का बयान सामने आया है। जहां पूरे देश में अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामा हो रहा है, वह विवाद पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अब कहां है बाबा का वो बुलडोजर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर चलता था, या फिर वो बुलडोजर कहां है जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। आगे हाजी जमीरुल्लाह ने विवाद करने वाले युवाओं से अपील की है कि ये राष्ट्र अपना है और ये संपत्ति भी अपनी है, इसीलिए देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को दोहरी राजनीति करने की बात कहते हुए उनके बुलडोजर द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी तंज कसा है। मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों से कि ये संपत्ति अपनी है, देश की संपत्ति अपनी है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन मैं उन दोहरी नेताओं से कहूंगा जो ये कहते थे कि सरकार का जरा सा भी नुकसान होगा तो वसूल किया जाएगा, आज ये साबित हो गया ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए था। कहाँ बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर, कहाँ चल रहा है बिल्डोजर? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ तुम हिंदू भाइयों को खुश करा करते हो मुसलमानों पर जुल्म करके, और उसी का नतीजा ये कि आज तुमने एक आदमी को मारा था जो बेचारा झारखंड के अंदर बच्चा 16 साल का बच्चा आंदोलन कर रहा था, तुमने उसको गोली मार दी। ऊपर वाले का देर अंधेर नहीं है, आज तुम्हें पूरे सरकार को इम्तहान में डाल दिया। गोंडा तहसील क्षेत्र के पहाड़ापुर चौराहे के पास संचालित शिव फार्मा नामक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की शिकायत पर एसडीएम की अगुवाई में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित व नशीली दवाएं बरामद हुई। इस दौरान एसडीएम हीरालाल के साथ प्रभारी ड्रग्स इंस्पेक्टर प्रीति सिंह और औषधि सहायक आयुक्त मंडल जीसी श्रीवास्तव की संयुक्त टीम मौजूद रही। वह इस कार्रवाई के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और जैसे ही छापेमारी करने के लिए मौके पर टीम पहुंची, वहां देखते ही देखते मेडिकल स्टोर की दुकानें भी जल्दबाजी में बंद होती हुई नजर आईं। अलीगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है, जहां एक तरफ अधिकारियों की साठगांठ से तकरीबन 1.4 किलोमीटर की लंबी लाइन अवैध रूप से डाल दी गई, वहीं दूसरी ओर 50 लाख से संबंधित विभाग को राजस्व हानि भी पहुंचाई गई, जिसमें विभाग के अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर विभाग के ही अधिकारियों ने साठगांठ करके विभाग के साथ घोटाला किया। वह इसकी शिकायत करने पर भी उच्च अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
1.4 किलोमीटर की लाइन अवैध रूप से डाली गई थी, उसमें विभाग की जांच हो चुकी है और उसमें अवर अभियंता को और अपना दोषी पाया गया है और वो लाइन का जो कॉस्ट है वो दोनों से वसूल की जा रही है और इसके अतिरिक्त भी उनको इंक्रीमेंट भी रोके गए हैं। इस तरह से काफ़ी बृहद दंड दोनों का आवंटन किए गए हैं। और जो दूसरा प्रकरण था जिसमें 50 लाख का गबन किया था PG2 ने, मनमोहन सिंह नाम था उसका, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और नौकरी बर्खास्त किया जा चुका है माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा। इसमें काफी लंबी जांच हुई थी और बड़ा ही उन्होंने अच्छी जांच करने के पश्चात ही निर्णय लिया है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी और तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।